हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी बहुत सारी वीडियोस ला रही हूँ ऑन वेडिंग सीजन, या राइट गाइस, वेडिंग सीजन जैसे कि चल रहा है। बिकॉज जब मैं ब्राइड थी तो मेरी भी फोकस थी कि मैं अपने स्किन के लिए, अपने मेकअप के लिए क्या ऐसा करूँ जो मैं एज अ ब्राइड अच्छी लगूँ, या फिर एज अ ब्राइड मैं अपने घर से उसे लेकर जाऊँ जो जाने के बाद शादी के बाद प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल ना करे कि मेरे पास अभी ये नहीं है या वो नहीं है, कैसे मैं से क्या लुक क्रिएट करूं। और साथ साथ मैं आप लोग के साथ विंटर की भी बहुत सारी वीडियोस शेयर कर रही हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं मेरा कुछ फेवरेट पैलेट्स, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, और साथ साथ ये पैलेट्स काफी ज्यादा अच्छी और पिगमेंटेड भी है। सो आपको जानना है कौन सा पैलेट के बारे में आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ। सो विदाउट दी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहला पैलेट मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो कि है एले कलर्स का पैलेट, जो कि कुछ इस तरह सा आता है। आप देख सकते हो, इसकी अगर आप देखोगे यहाँ पर सारी की सारी शेड विजिबल हो रही है, बट फिर भी मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। एंड लुक एट दिस शेड गर्ल्स, OMG, काफी अच्छा शेड है इसकी। जैसे कि यहाँ पर आपको ब्राउन मिल रही है, सिल्वर कलर मिल रही है, बेज कलर मिल रही है, और सबसे खास बात मुझे इस पैलेट की लगी कि अगर आप बिगनर्स हो, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन। इसमें आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल्स, और बैक साइड में भी आपको गाइड करेंगी कि आपको कैसा इसको यूज करना है। बिकॉज देखो, यहाँ पर आपको मैट शेड मिल रही है, ये भी मैट है, ये भी मैट है, जी हाँ। और ये दो शेड आपको हाइलाइटर शेड मिल रही है, आप आईज में भी एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो, और चिक्स बोन्स में भी लगा सकते हो। स्वाचेस में दिखाऊंगी, पहले आप यहाँ पर समझ लो। देन आपको यहाँ पर शिमर शेड्स मिल रही है, देन अगेन शिमर शेड्स, ये भी शिमर शेड्स है, एंड दिस वन आल्सो। सो आपको यहाँ पर मिलाकर कुल देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 शेड ऑफ आपको मैट मिल रही है, 1, 2, 3 शेड्स ऑफ आपको इसमें शिमर मिल रही है, एंड 2 शेड्स ऑफ हाइलाइटर भी इसमें मिल रही है। और इसकी शेड गाइस काफी ज्यादा पिगमेंटेड है। और अगर हम लोग प्राइस की बात बोले तो आई होप इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन होगी। इसकी प्राइस है 650 रुपीज, बट डोंट वरी गाइस, ये आपको हमेशा 300 to 400 में मिल जाएगा इजीली। तो अब मैं इसकी स्वाचेस आपको दिखाती हूँ कि क्यों मैं इसकी इतने ज्यादा तारीफ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हाइलाइटर शेड दिखाऊँ जो थोड़ा पाउडरी फॉर्म में है, और एक ये हाइलाइटर शेड है, ये कलर मुझे काफी अच्छा लगा। अगर कैमरा पे तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, बट अब हैंड पे स्वाच देखो, दोनों में काफी अंतर है। सी, आप देख सकते हो, सिर्फ एक बार मैंने लिया है और इसका हाइलाइटर शेड कितना ज्यादा प्रिटी है। दोनों के दोनों शेड मुझे काफी अच्छी लगी, एक थोड़ा व्हाइट कलर पे है और एक थोड़ा बेज कलर पे है। सो अगर आप शाम की पार्टी में जा रहे हो, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो ये व्हाइट वाली को भी, और बेज वाले आप डे वाले फंक्शन पे यूज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि ये अच्छे से लगता है या नहीं, आप देख सकते हो काफी इजीली लग भी रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेड है तो एक ही जगह रह गया, सी कितना ज्यादा ये पिगमेंटेड है। और अदर शेड्स की मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हो, जैसे कि ये शिमर शेड लुक, और देन ये वाली शिमर शेड को भी मैं दिखाती हूँ, एंड देन कुछ मैट शेड को भी मैं यहाँ पर पिक करती हूँ, एंड द लास्ट वन दिस। सारे के सारे आप शेड्स देख सकते हो यहाँ पर मेरे हैंड पे है, एंड मैं आपको यहाँ पर स्वाच दिखाती हूँ। लुक कितना ज्यादा पिगमेंटेड है ना, ये काफी अच्छी पैलेट। तो अगर आप ये वाली पैलेट को लेना चाहते हो, बिकॉज इसमें जो शेड है वो काफी मुझे अच्छी लगी, डे के लिए भी परफेक्ट है और नाइट के लिए भी परफेक्ट है। अगर बिगनर्स हो आप डेफिनेटली ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर देखना। अफोर्डेबल ऑप्शन है ये स्टे क्विकी का पैलेट। लुक एट दी पैलेट, इसकी पैलेट की पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी, और इसकी प्राइस डिटेल्स एट द बैक साइड हमें मिल रही है 345 रुपीज। आप देख सकते हो यहाँ पर रिटेन है, और अगर हम लोग खोलेंगे ये मैग्नेटिक है। लुक, ये मैग्नेट वाला है इस तरह सा, या ये इजिली अपने से लग भी जाता है। तो यहाँ पर एक छोटू सा ब्रश भी मिला था जो कि मुझे यूजलेस लगता है इस टाइप की ब्रश, तो मैंने इसे हटा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ब्यूटीफुल शेड्स हमें मिल रही हैं, लाइक ये आप देख सकते हो, ये मैट है, और ये भी ऊपर में ये शिमर शेड है, सॉरी, सारी की सारी यहाँ पर शिमर शेड्स हमें मिल रही है। तो अगर आप शिमर शेड्स के चाहते हो आई शेडो लेना, और आपको एक एक कर परचेज करना पड़ता है, तो एक एक में इन्वेस्ट ना करें, इस तरह से आप पैलेट लो। इससे बड़ा पैलेट भी आता है अंडर 500 रुपीज का, उस तरह से पैलेट में बिगनर्स लोग आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर ये शेड आप देख सकते हो,
लुक। देन ये शेड भी आप देख सकते हो, ये काफी प्यारा शेड है। देन ये गोल्डन एंड द लास्ट वन इज दिस। या ये चार शेड्स आप देख सकते हो, ये चारों शेड्स कितना ज्यादा पिगमेंटेड है और प्रिटी है। और मैं इसको अब यहाँ पर स्वच करके भी दिखा देती हूँ। OMG, आप देख सकते हो इसके स्वाचेस, ये कितना ज्यादा पिगमेंटेड है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सबको इसमें लगा दिया, लाइक ये वाला सही से नहीं लगा है। अब मैं दिखा रही हूँ, अभी भी मेरे हाथों में लगा है। और यहाँ आप शेड्स भी देख सकते हो, काफी ज्यादा प्रिटी है ना। और यहाँ पर सबको सबसे खास बात लगी, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, लुक हॉट बट स्टोर दिस इन कोल्ड प्लेस। या इस तरह से आपको लिखा हुआ भी मिल रहा है। तो अगर आप इस तरह से फोर शेड पैलेट खोज रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगर मैं दिखा देती हूँ लुक कितना ज्यादा ये पिगमेंटेड है, तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास जो की तीन तीन है, यानी ये क्या हो सकता है, चलो मैं दिखाती हूँ। ये है निका के पैलेट। जी हाँ, ये इस तरह से बहुत ही क्यूट सा कलर और बहुत ही प्रिटी सा कलर पे आता है इस तरह सा। तो सबसे पहले ये है शेड, आप देख सकते हो ये सुगर प्लम है मेरे पास। देन यहाँ पर आती है ये बर्थडे केक की शेड। एंड लास्टली मेरे पास आती है जो कि मुझे बहुत पसंद है, पॉइजन एप्पल। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास तो यही थ्री शेड्स है, इसकी और भी शेड्स अवेलेबल है बट अभी मेरे पास वो नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। फिलहाल इसके आई थिंक 5 to 6 शेड्स है टोटल, उसमें से मेरे पास 5 शेड्स अवेलेबल है, तो मैं आपको कोई और वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो इसकी शेड्स, और इसकी प्राइस है 499 रुपीज इच पैलेट। बट ये हमेशा डिस्काउंट में इजिली रिसीव हो जाता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट नाइका हर जगह आपको मिलेगा। तो मैं जैसे कि बात करती हूँ ये पॉइजन एप्पल, अगर आप ब्राइट टू बी हो आप ये वालों को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसमें आप कलर्स देखोगे, मैट सिमर की कॉम्बिनेशन आपको मिल रही है, लाइक ये मैट है, ये मैट है, ये मैट है, और या ये भी मैट है, मैट मिल रही है, और बाकी जितनी बची हुई वो शिमर शेड्स आपको मिल रही। अगर आप ब्राइट रहते हो तो आपको डार्क कलर बहुत ज्यादा पहनना पड़ता है भैया, तो आप इस तरह से इसमें ले सकते हो ये वाली पैलेट को। और यहाँ पर आप अगर शेड की बात करूं तो काफी पिगमेंटेड, जस्ट टच करना है लुक, जस्ट टच, इसको प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना बिकॉज ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड आप देख सकते हो। और लुक देख सकते हो आप कितना ज्यादा पिगमेंटेड पैलेट है। इसको जब भी मैं लगाती हूँ ना, मैं एक राज की बात बताऊं, इस तरह से मेरे पास बहुत सारी ब्रशेस अवेलेबल है, बहुत सारी ब्रश है मेरे पास, बट मैं ब्रश से बहुत कम पिक करती हूँ इसका ये प्रेस सेमर शेड, बिकॉज ये वेस्ट होता है। मैं इस तरह से हाथ से ही इसको पिक करती हूँ और लगाती हूँ, आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सामने लाकर दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा पिगमेंटेड पैलेट है और अफोर्डेबल भी है, साथ साथ हमें इसमें टोटल 9 शेड्स भी मिल रही है, सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ साथ अगर आप पार्टी वेयर के लिए चाहते हो, आप ये वाला सुगर प्लम को भी देख सकते हो, ये भी सेम है, आप देख सकते हो इस तरह से। और इसकी भी कुछ मैं शेड्स आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। OMG, बहुत ही प्यारा शेड है। अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको सुगर प्लम लेना है या पॉइजन एप्पल शेड लेना। अगर मेरा मानो सलाह तो आप ये सुगर प्लम और पॉइजन एप्पल दोनों को अपना मेकअप वैनिटी में जरूर रखें। आप देख सकते हो इसकी शेड कितना ज्यादा प्रिटी और कितना पिगमेंटेड है, जस्ट टच मैंने किया है। और सॉरी गाइस, और इसमें आप देख सकते हो मेरे फिंगर में भी अभी भी लगी हुई, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज बर्थडे केक, है ना, बिल्कुल केक के जैसा, ये जैसा नाम है वैसा ही इसका कलर दिया, और मेरा फेवरेट कलर ये था इसमें से यार, बट ये डैमेज हो चुका है टोटली। तो इसमें से ये वाली कलर भी आप देख सकते हो, काफी ज्यादा प्रिटी है लुक, मेरे हाथ पे तो जगह भी नहीं बैठे आज। तो अब मैं इसकी कुछ स्वाच आपको दिखा देती हूँ, लाइक ये वाली येलो, पर्पल एंड डार्क पिंक, इसको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ बिकॉज हाथ में OMG हाथ में बिल्कुल जगह नहीं बचे हुए थे। लुक इसका शेड कितना ज्यादा प्रिटी है, है ना। एंड द लास्ट वन इज NYBay का पैलेट, बट इसको मैं इससे ज्यादा टर्न करके आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज ये प्रोडक्ट मेरा ऑलरेडी डैमेज हो चुका है गाइज, तो मैं इसको तो अब यूज नहीं कर पाऊंगी। बट मैं वीडियोस के लिए आप लोग के लिए खास मैंने रखा था, और जो भी मेरा प्यारा शेड रहता है, जो शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, हमेशा वही शेड डैमेज होता है। इसमें आपको अगर स्मोकी आईज लवर हो आप,
और रात की पार्टी में आपको जाना है और आप कुछ ऐसा शेड ढूंढ रहे हो, सो आप एन वाई बी का ये वाला पैलेट को चेक कर सकते हो। इसकी प्राइस है 299 रुपीज। मैं स्वाचेस भी नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज ये पूरा मेरा डैमेज हो चुका है। अगर मैं इसको दिखाने गई तो मेरी पूरी नई ड्रेस खराब हो जाएगी। राइट गाइस, सो अगर आप स्मोकी आईज लवर हो आप इसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जैसे कि मैंने टाइटल में कहा था कि 500 के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट विथ पिगमेंटेड। राइट, सो यही था मेरा सजेशन। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट्स लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रखी है, आप वहां पर से जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको ये वाली वीडियोस अच्छी लगी, जैसा प्यार आप इंस्टाग्राम पे देते हो वैसा प्यार प्लीज आप मुझे यूट्यूब में भी दिया करें। सब्सक्राइब विद बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले जाते जाते, और इस वीडियो को बिग लाइक देना बिल्कुल भी ना भूले। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, लव यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।